वेलकम अगेन टू माय चैनल प्राची टिप्स एंड ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो मेरा बेबी हो गया है बड़ा, 6 मंथ का हो गया है वो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसके लिए कुछ चीज़ें मंगाई जाएं जिससे वो अच्छे से खेल सके, बैठना सीख सके। तो मैंने कुछ चीज़ें मंगाई हैं जिसका रिव्यू मैं आज करूँगी आपके साथ और अनबॉक्सिंग करूँगी। मैं अभी 4-5 दिन से वीडियो नहीं लेके आ पा रही थी, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियो का। मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गई हूँ, अकेली रहती हूँ, बेबी को संभालने वाला भी कोई नहीं है, तो मेरा सारी चीज़ें अस्त व्यस्त सी हो गई हैं। तो वही चीज़ मैंने जो मंगाया है फ्लिपकार्ट एंड मीशो से मंगाया है। तो कौन बेहतर है प्रोडक्ट डिलीवर करने में, वो चीज़ मैं आज आपको बताऊँगी कि किस साइट के जो प्रोडक्ट हैं कैसे आते हैं तो कैसे हैं, तो वही चीज़ मैं आपको आज बताऊंगी, इसमें दिखाऊंगी भी और दोनों का प्राइस भी बताऊंगी कैसा है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो फिर वीडियो को करते हैं। सबसे पहले मैंने जो मीशो से मंगाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है इतना बड़ा वाला, मतलब बहुत बड़ा है ये, बहुत यूज़फुल भी है। तो अब मैं ये देखूंगी कि ये पहले जैसा मैंने मंगाया था वैसा है कि नहीं है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो गाइस ये मंगाया है मैंने, कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इस पे बेबी आराम से बैठना सीख सकता है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। अभी मैं इस पे आपको खुशी को बैठा के भी दिखाऊंगी। तो आपका बेबी अगर छोटा है तो आप भी इसे मंगा सकते हैं। अगर आप अकेले रहती हैं तो बेबी कैसे बैठना सीखेगा, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो अभी मैं आपको खुशी इस पे बैठे कैसे बैठता है वो मैं आपको भी दिखाऊंगी, ठीक है? अब गाइस आता है जो मैंने सेकंड परचेस किया है फ्लिपकार्ट से, वो क्या है। ये भी बेबी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मेन बात ये है कि अगर आप लोग अकेले रहते हैं तो ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे आपके बेबी के लिए और आपके लिए भी। आप आराम से काम कर सकती हैं, बेबी बैठना सीख सकता है, तो बेबी आराम से इसमें उलझा रह सकता है, खेलता रह सकता है। तो वही चीज़ मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। तो ये है फ्लिपकार्ट से, ये मैंने मंगाया है। इसको मैं पहले ओपन करूँगी, प्राइस मैं दोनों के आपको एंड तक बताऊँगी एंड में जाकर। तो अभी आप प्रोडक्ट को पहले देख लीजिए। तो मैं इसको ओपन, ये गाइस देखिए ये मैंने मंगाया है डांसिंग कैक्टस। ये बहुत अच्छा डांस करता है। ये मैंने बहुत से लोगों पे देखा था तो मेरा भी मन करा कि मैं क्यों ना अपने बेबी के लिए मंगाऊं। तो ये मैंने मंगाया है, तो मैं इसे ओपन कर रही हूँ, आपको मैं सुनाऊंगी भी दिखाऊंगी भी ये कैसे कैसे डांस करता है। तो ये बड़ा ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर सा है ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ये देखिए मैं इसे ऑन, कहाँ से होता है, मैं इसे ऑन कर दूँ। ये देखिए ये ऑन मैंने कर दिया है। ये देखिए और यहाँ से ये आप अगर डबल बार टैप करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और यहाँ से आप अगर डबल बार टैप करेंगे तो
देखिए ये किस तरह से बोलता भी है। अगर आप बोलते हैं आप इसको, अगर आप कोई बात बोलते हैं तो इसको वो रिपीट करता है और डांस भी करता है। इसमें बोला गया है किसमें 35 तरह के इसमें सॉन्ग्स हैं जो ये गाता है, तरह तरह के गाता है, हर बार गाता है। और आप जो भी बोलेंगे वो इसको रिपीट करेगा, आपका बेबी जो बोलेगा वो ये रिपीट करेगा और आप जो बोलेंगे ये भी वो भी रिपीट करेगा। मायने में ये देखा जाता है कि ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। अगर आपका बेबी 6 मंथ का हो गया है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस पर ये दिया गया है कि 0 से 3 मंथ के जो बेबीज़ होते हैं उनके लिए ये प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, उनके लिए ये प्रोडक्ट नहीं है। अदरवाइज़ आपका बेबी 4, 5, 6 मंथ का है, 1 ईयर का है, तो आप ये आराम से मंगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, कॉमेडी करता है, बड़ा अच्छा प्यारा सा है। तो मैं अभी आपको इसके प्राइस बताती हूँ, एक बार आप फिर से सुन लीजिए। इसकी मैं अब आपको प्राइस बता देती हूँ कि ये मैंने कितने का लिया फ्लिपकार्ट से और ये मैंने कितने का लिया है मीशो से, ठीक है। तो ये मैंने जो लिया है सबसे पहले, इसका जो प्राइस है वो है 375 रुपी फ्लिपकार्ट पे है ये। आपको ये मीशो से भी मिल जाएगा, लेकिन मीशो से मैंने ये इलेक्ट्रिक चीज़ थी ना, तो इसलिए मैंने मीशो से मंगाया नहीं, क्योंकि क्या होता है कि मीशो पे कभी कभी कोई चीज़ अच्छी भी नहीं आती है, तो इसलिए मैंने मीशो से नहीं मंगाया। मैंने फ्लिपकार्ट से, मैं ज़्यादातर शॉपिंग करती हूँ तो मैंने फ्लिपकार्ट से ये बेहतर समझा मंगाना। और लेकिन मैंने ये मीशो से मंगाया है तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट आया है, मुझे पता नहीं था कि ये इतना अच्छा आ सकता है। तो मुझे ये वास्तव में ताज्जुब लग रहा है कि हाँ मीशो ने इतना अच्छा भेजा और कोई भी डिफेक्टेड माल नहीं है, अच्छे से काफ़ी अच्छी फिनिशिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी आ रखी है। और यहाँ पे ये देखिए चेन भी लगी हुई है, ये देखिए, और यहाँ पे आप इसको खोल के देखें, यहाँ पे आप सामान इसका कुछ वो निकाल भी सकते हैं अगर आपको ये ज़्यादा ऊंचा लग रहा है तो आपकी बेबी के लिए, और इसमें बेबी आराम से बैठना सीख सकता है। तो इसकी प्राइस मैं आपको बता रही हूँ, तो इसकी प्राइस गाइस है 378 रुपी, है ना, ताज्जुब वाली बात है ना। आप अगर इसको फर्स्ट प्राइस से या आप इसको फ्लिपकार्ट से ख़रीदते हैं तो यहाँ पे आपको इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो काफ़ी हाई मिलेगा, हाई रेंज होगी, लेकिन मीशो पे ये कम रेंज का था तो इसलिए मैंने वहीं से खरीदना ठीक समझा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ क्रिशो इस पे कैसे बैठता है। तो गाइज ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, आप इसको ज़रूर परचेस करिए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो मेरा बेबी इस पर आराम से बैठा हुआ है, अभी ये फर्स्ट टाइम बैठा है तो इसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसको ज़रूर परचेस करना। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलती हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।